सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज डेली। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों द अल्केमिस्ट। ये बुक नहीं है, ये एक नॉवेल है जिसे ब्राज़ील के एक ऑथर ने लिखा था जिनका के नाम है पाउलो सेलो। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन भी मुझे ठीक से नहीं आता। और ये बुक मैंने लास्ट जनवरी में पढ़ा था और ये ऐसा बुक है जिसे मैं जितना सोचता हूँ एक्सप्लेन करने का मैं उतना फंसता ही जाता हूँ। कुछ बुक्स ऐसी होती है जो आपके अंदर इतने अंदर तक दाग छोड़ देती है कि आप समझ नहीं पाते कि उसके बारे में बोलना क्या है, मतलब इतनी गहराई तक वे आपको टच करके जाती है। और ये उन बुक में से एक है। मैंने आज तक बहुत सारी बुकें तो ऐसा नहीं बोल सकता हूँ पढ़ी है, बट मैंने जितने भी बुक्स पढ़ी है उनमें से इसकी एक अलग पहचान है और मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि ये बुक ज़रूर पढ़े। तो ये बुक पहले आप पोर्टिग्यू में पब्लिश हुई थी 1988 में, और उसके बाद इसके बहुत सारे वर्जन, मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस में इसे पब्लिश किया गया, जिसके बाद ये एक बेस्ट सेलर बनी। और ये बुक एक चरवाहे के ऊपर है जिसका के नाम है सेंटियागो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सब जानते हैं 30 डेज चैलेंज चल रहा है अपना, और आज ये 5वां वीडियो है जो आ रहा है। आई थिंक चौथा वीडियो ही आया, आज ये चौथा वीडियो है जो आ रहा है, और ऐसे 30 दिन तक आते रहेंगे। आपको बस इतना एफर्ट देना है, अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी काम की लग रही है तो आप इसे शेयर ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने करके रखा ही होगा मैं जानता हूँ। बाकी सारा एफर्ट मैं यहाँ से मार रहा हूँ, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो ये बुक जो है बेसिकली ये एक कहानी है एक्चुअल में, और ये कहानी बहुत सारे पॉइंट को टच करती है। मतलब सेंटियागो एक चरवाहा होता है जो कि बचपन में जिसे मतलब घूमने का बहुत शौक़ होता है, तो उसके पापा चाहते थे कि वे किसी चर्च में एक फादरी बन जाए, क्योंकि उस टाइम में फादरियों की बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी, उनकी अलग रेस्पेक्ट होती थी। बट सेंटियागो का सपना था कि वे पूरी दुनिया घूमे, मतलब जहाँ वे रहता था अपने इलाके में वे पूरा भी घूमे। इसीलिए उसने अपने पापा की बात ना मान के अपने पापा से उसने बताया कि मेरा ड्रीम है, और ये ड्रीम तभी पूरा हो सकता है जब उस टाइम में चरवाहा बने, क्योंकि आज का तो टाइम था नहीं, उस टाइम में उतने ज़्यादा स्कोप हुआ नहीं करते थे। तो उसके पापा ने उसकी बात मानी और उसे कुछ भेड़ खरीद के दिए। उसके बाद वे चरवाहा बना, और चरवाहा बनने के बाद उसने मेहनत की, घूमा, लोगों से बात की, अपने कम्युनिकेशन को डेवलप किया, और भी भेड़ खरीदे उसने, मतलब एक सक्सेसफुल चरवाहा हम लोग उसे बोल सकते हैं। उसके बाद वे एक दिन ऐसे ही जा रहा था, वे लोग क्या करते कि अपनी भेड़ की जो स्किन होती है, रुई जो वहाँ से निकलता है, उसे बेच के अपना जीवन यापन करते हैं। तो एक दिन वे ऐसे ही जा रहा था, रात का टाइम था, तो वे एक चर्च में सो रहा था जिसकी छत नहीं थी। तो रात में सोते सोते उसे एक सपना आया कि रेगिस्तान में एक पिरामिड के नीचे खजाना छिपा हुआ है, और वे निकल पड़ा, मतलब उसे जाना है, उस खजाने को ढूंढना है, और उसे वे खजाना मिलेगा तो वे बहुत अमीर हो जाएगा। और ये पहली बार नहीं था जब उसे ये सपना है, ये सपने उसे बहुत बार आ चुके थे। तो अब ये देखना था कि वे इस सपने को पूरा करता है कि नहीं। तो इसके साथ ही उसके पास ये भी कन्फ्यूजन आता है, लास्ट टाइम वे जब गया था एक मर्चेंट को, उसने वे अपनी भेड़ की रुई जो बेची थी, उसकी बेटी उसे अच्छी लगी थी, तो उसका ड्रीम था कि उस बार जाके इससे मिले, और वे उसके टाउन के बहुत ज़्यादा पास था, लेकिन फिर वे अपने सपनों से वे परेशान था। उसे लगता था ये सच है, ये मेरे दिल की आवाज़, मुझे उस तरफ जाना चाहिए। तो उसके बाद वे एक ऐसे आदमी के पास गया, आदमी नहीं, एक लेडी थी जो मतलब लोगों के सपने को बताती थी कि इस सपने का क्या मतलब है। वे जाता है, वे लेडी उसे एक्सप्लेन करती है, और जब लेडी को ऐसा लगता है कि इसके सपने में कहीं दम है तो उससे पैसे भी चार्ज नहीं करती है, उसे बोलती है कि तुम्हें जब खजाना मिल जाए तो उसका कुछ परसेंट मुझे देना। और सेंटियागो को लगता है कि वे लेडी फ्रॉड है, और वे वहाँ से निकल के आ जाती है। फिर शाम में वे एक बड़े से एरिया में बैठा होता है जहाँ पे मार्केट प्लेस होता है, वहाँ पे उसे एक बूढ़ा आदमी आके मिलता है जो अपने आप को एक राजा बताता है, लेकिन सेंटियागो को लगता है कि ये उसी बूढ़ी आदमी का पति होगा, और उस बूढ़ी आदमी उसे बता दिया होगा कि मेरा ड्रीम क्या है। बट वे आदमी कुछ ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिससे सेंटियागो को लगता है कि नहीं, ये आदमी कहीं ना कहीं सच बोल रहा है। और सेंटियागो अपने सारे भेड़ को बेच के जो पैसे होते वे लेके कुछ पैसे अपने पास रखता है, कुछ वे उस बूढ़े आदमी को देता है। उसके बाद वे बूढ़ा आदमी उसे 2 स्टोन देता है और बोलता है जब भी कोई डिसीजन तुम लो तो इन दोनों स्टोन को चेक कर लेना।
और सेंटियागो उसके बाद वहाँ से चला जाता है। तो ये पहला लेसन है कि आप जब भी अपने ड्रीम को फॉलो करते हैं, आपको अपने पिछले जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है उस लाइफ को आपको छोड़ना पड़ता है। आप हो सकता है कि आप बहुत अच्छी जगह पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, लेकिन ड्रीम को अगर आपको फॉलो करना है तो आपको उस कंफर्टेबल जगहों को छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। यू हैव टू ब्रेक योर ओन बैरियर्स। ये सेंटियागो ये इस बुक में ये पहला जो हमें एग्जाम्पल मिलता है वे है। और उसके बाद ठीक है, वे निकल जाते हैं वहाँ से, वे जाता है इजिप्ट में एक, और ये बहुत ज़्यादा पास में ही रेगिस्तान रहता है, मतलब उसके कंपनी के बीच में एक नदी है और नदी को पार करने के बाद इजिप्ट है। तो वे चला जाता है वहाँ पे, और वहाँ जाने के बाद वे एक होटल में जाता है। उसे वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती क्योंकि वहाँ पे अरेबिक सब बोलते हैं। तो वहाँ पे उसे एक गाइड मिलता है और वे गाइड के साथ वे फिर वहाँ से कंटिन्यू करता है, लेकिन वे गाइड फ्रॉड होता है और सेंटियागो उसे अपना सारा पैसा देता है। बट वे गाइड वे पैसे लेके भाग जाता है और सेंटियागो फिर से खाली हाथ आ जाता है, हो जाता है। होने के बाद वे क्या करता है, इजिप्ट में ही वे घूमता है। और एक दिन वे एक पहाड़ के तरफ जा रहा होता है तो वे एक क्रिस्टल शॉप देखता है, जहाँ वे देखता है कि क्रिस्टल सब में बहुत ज़्यादा धूल लगी है। तो वे अंदर जाके उसे दुकानदार को बोलता है मुझे यहाँ काम चाहिए। तभी एक कस्टमर आता है तो सेंटियागो वहाँ के क्रिस्टल को खुद ही साफ करने लगता है। दुकानदार उससे कुछ नहीं बोलता है। बाद में उसे वे खाना खिलाता है और दुकानदार बोलता है कि अगर तुम नहीं भी साफ करते फिर भी मैं तुम्हें खाना खिलाता क्योंकि ये हमारा धर्म है। बट वे सेंटियागो को अपने यहाँ काम पर रख लेता है। और ये दूसरा एग्जाम्पल है कि आपका जब सब कुछ चला जाए तो आप वहाँ से शुरू करो जहाँ पे आप हो। मतलब अगर आप 100 से अगर आप 0 लेवल पे चले गए हो तो आप 0 लेवल से फिर से शुरू कर सकते हो। सेंटियागो का जब सारा पैसा चला गया था तो वे घूम के अपने घर आ सकता था, फिर से वे कुछ भेड़ कर्जे पे लेता और उनसे भी काम शुरू कर सकता था। लेकिन उसे पता था कि मुझे अपने अभी अपने ड्रीम को फॉलो करना है, जब मैंने इतना सेक्रीफाइस किया है तो थोड़ा और करता हूँ। और वे इजिप्ट में ही रहता है तो उस क्रिस्टल ओनर के शॉप पे वे काम करता रहता है। और उसके बाद कुछ दिन बीतते हैं, वे पैसा जमा करता है। और यहाँ पे और भी बहुत सारे लेसन है, जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वे क्रिस्टल शॉप का जो ओनर होता है उसका एक सपना होता है कि वे मक्का जाए, लेकिन वे नहीं जा पाता। पहले उसके पास पैसे नहीं थे, जब पैसे आ गए तब उसके पास मतलब बिजनेस थोड़ा उसका कम पड़ गया, बिजनेस की जिम्मेदारियाँ उस पर बढ़ गई, इसलिए वे नहीं जा पाए। तो वे सेंटियागो को बोलता है कि ये मेरा ड्रीम था, मेरा हार्ट हमेशा बोलता था कि मुझे मक्का जाना है, बट मैं कभी नहीं जा पाया, जबकि मुझसे गरीब गरीब लोगों ने भी वहाँ पे वे लोग जा चुके हैं। और सेंटियागो ये समझता है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करना है, कैसे हमें मतलब नए नए बिजनेस आइडिया और हार नहीं मानना, वे सीखता है वहाँ पे उस क्रिस्टल ओनर से। भले ही वे क्रिस्टल शॉप ओनर जो होता है वे एक फेलियर होता है, लेकिन उससे भी वे सीखता है। और सीखने के बाद बहुत दिन तक काम करने के बाद जब उसके पास सफिशियंट पैसे हो जाते तो वे वहाँ से निकलता है और जो काफिला पहने जाता था रेगिस्तान में, क्योंकि बहुत बहुत दूर तक कुछ नहीं होता था और कोई अकेला जाए तो मर जाता था, इसलिए काफिला जाता था। और काफिला के साथ बहुत सारे लोग जाते थे जो उन्हें कुछ अमाउंट पे करते थे। तो ये जो काफिला जब चला वहाँ से, तो वहाँ पे सेंटियागो को एक इंग्लिश मैन मिला जो कि वहीं जा रहा था इजिप्ट के अंदर, क्योंकि उसे एक अल्केमिस्ट को ढूंढना था। अब अल्केमिस्ट होता क्या है, अल्केमिस्ट एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जो कि धातु को सोने में बदलता है कुछ मेथड से। और उसीलिए वे इंसान भी एक अल्केमिस्ट बनना चाहता था, इसलिए वे एक अल्केमिस्ट को ही ढूंढने के लिए जा रहा था। तो अब इसके बाद जो चैप्टर है, क्या सेंटियागो को खजाना मिलेगा या नहीं, ये हम दूसरे पार्ट में आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये पार्ट अभी मैं देख रहा हूँ 8 मिनट का हो गया है, तो हो सकता है ये 16 मिनट का हो जाए, इसीलिए अभी यहाँ पे मैं ब्रेक लगाता हूँ। इसके बाद फिर अगला वीडियो आएगा जो कि कल ही आएगा, और वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सेंटियागो को खजाना मिला या नहीं। ओके।